हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड नाइन। आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं शिल्पी हूँ। मैं पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड हॉर रिलेटेड वीडियोस अल्टरनेटिव डेज एंड कभी कभी तो डेली भी। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट और मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो सकते हैं। जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आपको उसको प्रेस करना और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाना है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही क्यूट, स्टाइलिश, ट्रेंडी एंड अफोर्डेबल बैग का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें आपको एक ही वेबसाइट पे मिल सकती हैं, जहाँ अफोर्डेबल भी हो, क्यूट भी हो और आपको स्टाइलिश चीज़ें मिल जाए, वो है मीशो। मतलब मैंने सरोजनी से भी खरीदा है, मतलब लाइक जैसे मैंने सरोजनी से बैग खरीदा, सेम क्वालिटी एंड सेम प्राइस मुझे रिसीव हुए हैं। अगर आप डेली नहीं रहते हैं और आपको अफोर्डेबल एंड ट्रेंडी बैग चाहिए तो मीशो को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सारे बैग्स के कोड आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। कुछ मीशो से कुछ बैग आपको जो मेरे बहुत पसंद आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने कहां से परचेज किया। इवन वैसा कुछ मीशो पे मिलेगा ना तो उसका कोड भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको जरूर ट्राई की आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल रहती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो भी स्टार्ट कर लेते हैं। शेयर करूंगी 9 और 10 बैग्स हैं। सारे जो बैग्स हैं अंडर 500 रुपीज आपको मिल जाएंगे और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, तो जो मेरे को क्वालिटी रिसीव हुई है, जिसमें जो भी प्रॉब्लम है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके साथ मैं बटरिंग करके कुछ प्रोडक्ट शेयर करूंगी। आपको पता ही है कि जो भी प्रोडक्ट में कमी होती है वो मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट बैग से। फर्स्ट बैग जो बैग आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज्यादा क्यूट है एंड ट्रेंडी है, और मीशो पे ना आपको कलर्स मिल जाएंगे। लाइक जैसे मैंने व्हाइट कलर में परचेज किया, आपको आई थिंक 4 से 5 शेड है, ब्लैक, टैन, मरून। कलर्स की पिक्चर्स की भी साइड में मेंशन कर दूंगी अगर मिल पाए तो मेरे को फोटो। कोड्स आपको नीचे मिल जाएंगे। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब लाइक सीरियसली बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बैग है। व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर आपके बहुत सारे आपके आउटफिट के साथ पेयर अप हो जाएगा। इसके साथ बड़ी ऐसी आपको डोरी मिल जाती है जिसको आप स्लिंग की तरह भी इसको कैरी कर सकते हैं बैग को, और अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। बहुत प्रिटी लगेगा कोई भी अपने ड्रेस के साथ। अभी जैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आपकी कोई क्यूट सी ड्रेस है और व्हाइट कलर का बैग ना बहुत आपके आउटफिट के साथ पेयर अप हो जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। एंड इस पे कुछ इस टाइप से डिटेलिंग मिल जाती है। आई थिंक मैंने इसको शेयर किया था आपके साथ, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी हो, और मैं बैग हॉल बनाई थी मीशो से, तो सोचा अभी इसको भी आप शेयर कर दूं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे मैंने कलर बताया, कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और आप इसको स्लिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बैग जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसका कलर भी बहुत प्रिटी है, पाउडर ब्लू कलर मिल जाता है। लाइक मेरा ऑब्सेशन है पाउडर ब्लू कलर, लाइलिक कलर, वियरी मैंने पाउडर ब्लू कलर ही किया हुआ है। क्रोशेट वाला टॉप है मेरा ये, एंड इसमें ना व्हाइट कलर, ब्लैक कलर एंड आई थिंक एक लेमन कलर भी अवेलेबल है, बट मैंने एक मेरे पास ना पाउडर ब्लू कलर का कोई बैग नहीं था तो मैंने इसलिए परचेज किया। क्वालिटी अच्छी है लेकिन इसकी जिप की क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही हल्की सी जिप है। अगर मैंने मतलब जल्दी जल्दी 2-4 बार किया था तो ऐसा लग रहा है कि इसकी जिप खराब हो जाएगी, बट इतना जल्दी करना क्या है। तो अगर जिप की क्वालिटी को छोड़ दिया जाए, उतना ध्यान ना दिया जाए, अदरवाइज बैग काफी अच्छा है। छोटा सा है, क्यूट सा है, इतना छोटा भी नहीं है कि आपका सामान नहीं आएगा इसमें, इजिली आपका सामान आ जाएगा। यहाँ पर एक कुछ स्टाइल के लिए ऐसे सिल्वर कलर की चेन की डिटेलिंग है, एंड लुक एट दिस, आप इस तरह से इसको कैरी कर सकते हैं। सॉरी, एंड पीछे से भी कुछ इस टाइप से इसमें डिटेलिंग है, तो मुझे इसकी लुक वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगा है। नेक्स्ट बैग शेयर करने से पहले आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ माय BFF प्रोडक्ट फॉर विंटर। तो अभी मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है ये प्लम से बॉडी ऑयल वनीला वाइब्स। तो मतलब बॉडी ऑयल सुनते दिमाग में ऐसा आता है ना कि बॉडी ऑयल है तो बहुत हैवी, ग्रीसी एंड स्टीकी होगा। अगर आप इसको यूज कर लोगे ना तो आपके जो बॉडी ऑयल को लेकर मिथ है ना वो डेफिनेटली आप भूल जाओगे। आपको उसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई एंड बहुत ही रफ रफ रहती है बहुत, तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। एंड सीरियसली आपका भी ये BFF प्रोडक्ट होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। स्मेल लाइक अ कपकेक, मतलब इतना अच्छा इसका स्मेल है ना, बिल्कुल कपकेक जैसा स्मेल करता है। डीपली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा एंड इंस्टेंट आपको ग्लो प्रोवाइड करेगा। बहुत ही लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, स्टिकी नहीं है, बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं शार के बाद इसको यूज़ करती हूँ एंड विद इन 5 मिनट्स के अंदर ना ये मेरी स्किन को इतने अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, मतलब 8 से 9 घंटे तक मेरे को कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। बहुत ही नरिश एंड बहुत ही हाइड्रेटेड स्किन हो जाती है। एंड इसको ना आप ना एज अ हाईलाइट
वेंटिलेटर भी यूज कर सकते हैं अपनी एल्बो पर, कॉलर बोन्स पर, शोल्डर पर, लेग्स पर। अभी जैसे विंटर्स हैं, आपकी स्किन बहुत ड्राई, लेग्स एंड हैंड वगैरह बहुत ड्राई रहते होंगे, आपको कुछ पार्टी में जाना है, बहुत कोई शॉर्ट ड्रेस वगैरह पहननी है, आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो इस वाले ऑयल को ट्राई कीजिए। बहुत ही लाइक आपको एक बार ऐसा फील होगा कि आपने ऑयल ऐसा लगाया ही नहीं है, कोई बहुत ही हाई क्वालिटी का लाइक मॉइस्चराइजर आपने यूज किया है जो बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज कर रहा है। तो आप ट्राई कीजिएगा इसको, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इवन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा सभी प्लम के प्रोडक्ट्स पर, तो आपको जरूर ट्राई करना करूंगी। वो है ये बेज कलर का बैग, ये वाला कलर ऐसा है ना, लाइट कलर के आउटफिट, डार्क कलर के आउटफिट दोनों के साथ ये पेयरअप हो सकता है। इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है एंड आप इसको ना लाइक कुछ इस टाइप से भी कैरी कर सकते हैं। मैंने एक अपने आउटफिट के साथ, मेरे पास पाउडर ब्लू कलर का नहीं ब्लू कलर का है, उसको मैंने पेयर किया था, काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे भी आपको इसे चेयर मिल सकती है, ऐसे आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एंड यहाँ पर ना ऐसे छोटी 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 सी प्लेट्स की डिटेलिंग है, तो काफी ज्यादा ये अच्छा लगा मुझे। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, अंदर आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है, एक आपको एक पॉकेट मिल जाती है अंदर जिसमें आप काफी अपना सामान रख सकते हैं। एंड इसमें पार्टीशन है, लाइक इधर भी पार्टीशन है, इधर भी पार्टीशन है, तो काफी सारा सामान रख सकता है। इवन इसके अंदर ना कुछ छोटी सी पानी की बॉटल भी आप कैरी कर सकते हो, बहुत ही कम स्पेस नहीं है, स्पेस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। इसका जो प्राइस है 400 के अप्रोक्स था, 399 था, एंड क्वालिटी अच्छी है। इसमें भी 4-5 शेड्स अवेलेबल है। सब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये सिल्वर कलर का क्लच, मतलब ये मैंने थोड़ा एथनिक अपनी कोई ड्रेस के साथ लिया। यहाँ पर ऐसे शिमर की डिटेलिंग मिल जाती है इसमें, एंड कुछ इस टाइप से साड़ी के साथ, सूट के साथ या लहंगे के साथ इसको कैरी किया जा सकता है। पीछे इसमें यहाँ पे भी ऐसे आपको जिप मिल जाएगी, इसमें काफी जिप है, मतलब अंदर भी बहुत स्पेस है। लुक एट दिस, काफी स्पेस मिल जाता है इसका, मैंने अभी तक खाली नहीं किया था। और ना इसको इवन ना स्लिंग की तरह भी कैरी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि खाली ये क्लच की तरह ही यूज होगा, इसको मैं ऐसे स्लिंग की तरह भी कैरी कर सकती हूँ और आराम से अपना डांस कर सकती हूँ, खा सकती हूँ। अगर कहीं पार्टी में जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे इसको खाली हाथ में कैरी करना होगा, तो हाथ में बैग होना तो बहुत बन बन से जाते हैं, मतलब कुछ करा नहीं जाता, तो इसको कैरी भी कर सकती हूँ। आपके साथ शेयर करूंगी ये वाला बैग बिल्कुल। नेक्स्ट बैग जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बिल्कुल बीची वाली वाइफ रहता है। आपकी कोई बहुत ही वाइट सी एंड क्यूट सी ड्रेस हो एंड आप बीच पे हो, साथ में आपने एक कलरफुल सा रिबन अपने बालों में लगाया हो, और साथ में आप इस वाले बैग को लोगे साथ में फ्लावर के साथ, तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगने वाले हो। मतलब मैंने सोचा है कि इस वाले बैग को जब भी मैं कहीं जाने वाली हूँ ना, बीच पे लाइक गोवा या कहीं भी बीच पे जाऊंगी, तो उसमें भी कोई ना कोई ड्रेस के साथ तो अपने इसको जरूर कैरी करने वाली हूँ, साथ में कोई फ्लावर के साथ। मैंने बहुत सारे ऐसे पिंटरेस्ट पे ना फोटो देखे तो काफी क्यूट लगते हैं इस टाइप के बैग, एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे इवन ना इसके साथ आप थोड़ा सा ना DIY भी कर सकते हो, लाइक कुछ अपना स्कार्फ को इसके साथ बांध सकते हो, थोड़ा सा आपको चाहिए, यहाँ पे भी कुछ इसके प्रिंट वगैरह कर सकते हो। मैंने ना बहुत सारे ऐसे DIY बैग देखे थे जिसपे ना यहाँ पे ऐसे फ्लावर की डिटेलिंग की हुई थी, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे सॉलिड मिल जाता है बास्केट की तरह, मुझे ऐसे भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था ये। एंड इसका जो प्राइस आई थिंक 350 के अप्रॉक्स है, 350 के अप्रॉक्स मुझे काफी अच्छा लगा। जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये लाइलेक कलर का बैग। इसकी क्वालिटी तो इतनी अच्छी निकली है ना, लास्ट मंथ आई थिंक मैंने इसको आपके साथ शेयर किया था, जब लाइलेक हॉल शेयर किया था। इस वाले बैग को मैं इतना यूज करती हूँ और इसकी क्वालिटी एंड इसका जो पूरा लुक है मुझे बहुत पसंद है। सबसे अच्छी बात क्या है ना, मैं बैग लेती हूँ ना तो ऐसे नहीं गिरता, बहुत बार बैग ऐसे ना टिकते ही नहीं है शोल्डर पे, लाइक आप रखो और वो नीचे 2 सेकंड में आ जाएंगे, वैसा इस वाले बैग के साथ बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर्स इसमें अवेलेबल है, मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। एंड इसमें पॉकेट्स तो है, यहाँ पे जिप की डिटेलिंग है, अंदर एक छोटी सी पॉकेट्स और है, तो मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कि मीशो के बैग की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी जिस प्राइस में है, बट क्वालिटी सीरियसली गाइस काफी अच्छी है। एंड जिसमें मुझे जो भी प्रॉब्लम हुई है वो आपके साथ मैं शेयर कर ही रही हूँ। इसके साथ मुझे कोई जिप का प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ क्वालिटी अभी भी इसका ऐसे का ऐसी है। इसको मुझे वॉश करने की जरूरत नहीं होती, जो वेट वाइप्स होते हैं ना हल्का सा, वैसे तो गंदा नहीं होता लेकिन कभी धूल वूल में लग जाए तो हल्का सा वेट वाइप से इसको मैं ऐसे क्लीन के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही क्यूट एंड वाइब्रेंट सा एक बैग, लुक एट दिस कलर ना, बहुत ही क्यूट लग रहा है ना, कलर आप देख सकते हैं। इसमें आपको 10-12 शेड मिल जाएंगे, येलो, ग्रीन, रेड, पिंक मैंने ले लिया, ब्लैक, व्हाइट, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर लीजिए। 399 रुपीज का ये बैग है, क्वालिटी अच्छी है। लाइक कुछ मटेरियल ना इसका कैसे बोलूँ, कुछ रबर टाइप का जो मटेरियल होता है ना उस टाइप से इसका मटेरियल है, पॉल की यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए मिल जाती है, लेकिन इसका जो मेरे को लॉक मिला है ना ये
इसका लॉक ना पूरा प्रॉपर बंद नहीं हो रहा है, इसके लॉक में कुछ इशू है एंड मैं अभी इसको रिटर्न भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज 7 डेज की जो रिटर्न पॉलिसी होती है ना वो निकल गई, मतलब 7 डेज मेरे को करना था बिकॉज मेरे को शूट करना था और शूट हुआ ही नहीं बिकॉज अभी मेरी तबियत भी नहीं ठीक चल रही थी कुछ दिन से, तो शूट ही नहीं हो पा रहा था। इस चक्कर में ना ये रिटर्न का रह गया मेरा, बट मैंने सोचा चलो फोटोज वगैरह के काम आ जाएगा, बाहर तो कहीं लेके नहीं जा सकती बिकॉज का लॉक का कुछ इशू है, जो ये वाला है ना ये पूरा ऐसे राउंड ऐसे घूम नहीं रहा है तो ये बंद नहीं हो रहा है, अदरवाइज इसमें स्पेस वगैरह है, मतलब फोन तो नहीं आएगा लेकिन छोटी मोटी आपकी लिपस्टिक वगैरह आप इसमें कैरी कर सकते हैं। आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये मेरा बैग कलर का स्लिंग बैग, ये आपको काफी पसंद आता है। ये वाला बैग मेरे को बर्थडे पे मिला था गिफ्ट में, इसका ब्रांड केमिस्ट्री है, ये ना मैं बहुत कैरी करती हूँ, कुछ इसका स्टाइल मुझे एक तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत कंफर्टेबल है ये, पीछे इसमें पॉकेट है, काफी स्पेशियस है, तो अगर मैं कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए भी जाती हूँ तो मेरा काफी सारा सामान इसके अंदर आ जाता है, मेरा फोन, पानी की बॉटल वगैरह। तो इस टाइप का बैग अगर मुझे कुछ मीशो पे मिला तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ब्रांड इसका केमिस्ट्री है। शायद मैंने ऐसा बैग वैसे मिंत्रा पे चेक किया था, मिंत्रा पे था बट थोड़ा कॉस्टली था, आई थिंक इसका जो प्राइस था वो 1200 या 1300 के अप्रॉक्स था, बट मैं ट्राई करूंगी कुछ अच्छा स्लिंग बैग मुझको मीशो पे मिलता है तो उसका कोड मैं आपके साथ नीचे मेंशन करूंगी। लास्ट में जो आपके साथ शेयर करूंगी वो अगेन मेरे की ब्लैक कलर का बैकपैक, आप देख सकते हैं कि इसकी हालत ना बिल्कुल मैंने खराब कर दी है, ये मैंने ऐसे लोकल मार्केट से परचेज किया था लेकिन ये बैकपैक बहुत अच्छा लगता है मेरे को, लाइक आपको थोड़ा स्ट्रीट वाला वाइब चाहिए और आपको एक बैग चाहिए जिसमें आपका खूब सारा सामान आ जाए ना, तो एक अच्छे बैकपैक आपके पास होना चाहिए, लेदर वाला है और इसको लिए मेरे ख्याल से मेरे को 4 से 5 साल हो गए हैं इसकी, इसका मतलब मेरा ना मन नहीं भरता इसका, ये खराब हो गया है लेकिन इसको मैं कहीं ना लेके चली जाती हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे एक तो बहुत कंफर्टेबल लगता है, मेरा बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। ऐसा बैकपैक मैंने मीशो पे देखा था, अगर अभी अवेलेबल हुआ तो उसका मैं कोड आपको नीचे मेंशन, सारा मीशो से क्यूट सा बैग का कलेक्शन, सारे बैग ऐसे है ना, मतलब मुझे सीरियसली मैं एक नहीं बता सकती, एक कोई मेरा फेवरेट है, सारे बैग मुझे बहुत पसंद आए हैं, अगर स्काई ब्लू जो पाउडर ब्लू उसकी चेन की क्वालिटी छोड़ दी जाए तो सारे बैग अच्छे हैं, ब्लू वाले का थोड़ा पिंक वाले का थोड़ा लॉक का इशू है, अदरवाइज बैग की क्वालिटी वगैरह अच्छी है। एंड आप बताना कमेंट करके कि सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा, मुझे तो सारे बहुत अच्छे लगे, कोड्स आपको नीचे मिल जाएंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल रही हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।